मऊ जिले के रतनपुरा शिक्षा खंड कार्यालय परिसर में प्रेरणा ज्ञानोत्सव शिक्षा चौपाल एवं शैक्षणिक उन्नयन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ब्लॉक के सभी संकुल के पदाधिकारी सहित विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक और प्रधानाध्यापक अपने छात्रों सहित उपस्थित रहे। इस प्रेरणा ज्ञान उत्सव कार्यक्रम में प्रेरणादायी छात्रों का माल्यार्पण कर प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रेरणा ज्ञान उत्सव कार्यक्रम को लेकर जो मिशन दिया गया है उस पर चर्चा किया गया। इस शैक्षणिक चौपाल में सभी शिक्षा संकुल के द्वारा TLM प्रदर्शनी लगाई गई, जहां पर विभिन्न प्रकार के TLM देख सभी आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि जो TLM लगाए गए थे वह जीरो बजट निवेश पर बनाए गए हैं, जिससे बच्चों को उनका पाठ्यक्रम सरलता से सिखाया जा सके। TLM मेला इसलिए लगाया गया है कि हम इस TLM के माध्यम से जो बच्चों को पढ़ाते हैं उसको जन जन तक पहुंचाएं और अपनी जनता को ये दिखाएं कि हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे अध्यापक द्वारा किन किन तरीकों के प्रयास किए जाते हैं, जिससे कि वो अभिभावक भी बच्चों को समझें और वो भी अपने स्तर से इस तरीके का प्रयास करें और पूरे शिक्षण प्रक्रिया को रोचक बनाएं और अभिभावकों को प्रेरित करके हम अपने विद्यालय में नामांकन की स्थिति में और सुधार करने के लिए ये सारे कार्य करते हैं। माचिस के खाली डिब्बों से बनाया गया है, इसमें बच्चे से पूछेंगे 10 से पहले क्या आता है तो 9 और 10 के बाद क्या आता है 11। ये जीरो इन्वेस्टमेंट पे है माचिस के खाली डिब्बों से। TLM बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सर, बच्चों को खेल के माध्यम से चीजें बता पाना, क्योंकि वो इन चीजों से अगर हम उनको कॉपी पेन और ब्लैक बोर्ड पे बताएंगे वो चीजें, वो खेल के माध्यम से वो चीजें जल्दी सीखते हैं। तो अगर हम बताएंगे कि खिलौना तो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, तो बच्चे उस चीज को खेल के माध्यम से सीख लेंगे। घर में माचिस के डिब्बे पड़े होंगे, उससे वो आगे पीछे करेंगे, पता चल जाएगा कि हाँ इस संख्या के बाद कौन सी संख्या आने वाली है। मिशन प्रेरणा पर भी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज प्रेरणा ज्ञानोत्सव का चौपाल का एक कार्यक्रम किया जा रहा है और इसका उद्देश्य यह है कि एजुकेशनल क्वालिटी को, जो हमारा निर्धारित प्रेरणा लक्ष्य है, उस निर्धारित प्रेरणा लक्ष्य को हमारे बच्चे, सभी बच्चे, इस ब्लॉक के सभी बच्चे उस लक्ष्य को प्राप्त कर लें जो भाषा और गणित का प्रेरणा लक्ष्य दिया गया है। इसके साथ ही साथ अन्य विषयों का भी हमें पढ़ाना है, सभी विषय में हमें अपने बच्चों को पारंगत करना है। जो निर्धारित लक्ष्य, जो मूल्यांकन का जो लक्ष्य रखा गया है, वो भाषा और गणित का रखा गया है, और अगर हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो माना जाएगा कि हमारे बच्चे अपने प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त कर लिए हैं और हम अपने ब्लॉक को एक प्रेरक ब्लॉक बनाने की घोषणा कर सकते हैं। इसका असेसमेंट हमें प्रदेश सरकार के द्वारा एक थर्ड पार्टी असेसमेंट कराया जाएगा। वह थर्ड पार्टी इस बात की घोषणा करेगी, उस बात का प्रमाण पत्र देगी कि अब यह संकुल, यह ब्लॉक अब प्रेरक ब्लॉक बन गया है, जिसे हम अपने जनपद के माध्यम से प्रदेश सरकार को सूचित करेंगे।